लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल सेकंड लेक्चर। माय सेल्फ एसआर प्रजापति फ्रॉम एसके एजुकेशन हब। मोबाइल नंबर 9427295500। लेक्चर के एंड में यदि आपको कोई डाउट या कुछ सजेशन हो तो इस नंबर पे मैसेज सेंड कर सकते हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। तो टॉपिक डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेरिएबल, हमने देखा था कि वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ टर्म कांस्टेंट कोएफिशिएंट इक्वेशन, टर्म किसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट किसको बोलते हैं, वो सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में की हुई है। एंड लास्ट में देखा था सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यदि जो आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो वो देख लो, जिसकी वजह से आप ये लेक्चर अच्छे से समझ सके और एग्जांपल अच्छे से सॉल्व कर सके। तो लेट्स वी स्टार्ट। आज हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो सॉल्व मीनिंग क्या है कि आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, मींस कि हमारे पास इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है, यहाँ देखो हमारे पास वेरिएबल कौन सा है वो आपको अच्छे से पता है कि वेरिएबल किसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट किसको बोलते हैं, वो सब हमने डिस्कस किया हुआ है। तो वेरिएबल यहाँ एक्स है, तो वेरिएबल हमारा कौन सा है एक्स। तो हमें क्या करना है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स की हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ देखो माइनस टू लेफ्ट साइड है, तो हमें x को सब्जेक्ट बनाना है, तो माइनस टू को कहाँ लेके जाना पड़ेगा राइट हैंड साइड। अब यहाँ ठीक से देखना कि माइनस टू है, जब भी आप लेफ्ट साइड टू राइट साइड या तो राइट साइड टू लेफ्ट साइड वेरिएबल या नंबर लेके जाते हैं तो उसकी साइन क्या हो जाती है चेंज हो जाती है। तो ट्रांसफर टू द राइट साइड, तो x इज इक्वल क्या होगा 7 + 2। तो यहाँ देखो माइनस टू से क्या हो गया प्लस 2, तो इज इक्वल हमारा आंसर क्या आया therefore x इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, y प्लस 3 इज इक्वल 10। तो यहाँ देखो 3 वेरिएबल कौन सा है y, और 3 के आगे साइन क्या है प्लस है। अब क्या करेंगे हम लेफ्ट साइड टू राइट साइड लेके जाएंगे, तो ट्रांसफर 3 टू द राइट हैंड साइड, तो therefore y इज इक्वल टू 10 - 3। तो y इज इक्वल हमें आंसर क्या मिल गया, तो y इज इक्वल 7। तो यहाँ देखो जब माइनस था तो क्या हो गया प्लस हो जाता है, और प्लस था तो यहाँ क्या हो जाता है माइनस। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 6 इज इक्वल टू z प्लस 2। तो वेरिएबल कौन सा है यहाँ, तो आपको अच्छे से पता है कि z वेरिएबल है, तो अब 2 को क्या करना है। अब यहाँ देखो 2 राइट हैंड साइड है, पर हमारा टारगेट तो क्या है कि z की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे प्लस 2 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। तो 6 - 2 इज इक्वल टू जेड, तो 6 - 2 इज इक्वल क्या होता है 4, तो देयरफॉर जेड इक्वल 4। तो हमारे वेरिएबल की वैल्यू कितनी मिली 4। तो आगे देखते हैं, यहाँ देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है, 3/7 + x इज इक्वल टू 70/7। तो यहाँ वेरिएबल कौन सा है वो आपको पता है कि x वेरिएबल है, तो 3/7 क्या करेंगे लेफ्ट साइड टू राइट साइड लेके जाएंगे, तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 70/7 - 3/7। यहाँ हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेते हैं तो 70 - 3 तो क्या मिलेगा 14, तो 40/7 तो आंसर क्या आएगा 2। तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल हमें वैल्यू कितनी मिली 2, तो हमारी वेरिएबल की वैल्यू आई 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल आगे देखते हैं, एग्जाम्पल यहाँ देखो अभी तक हमने जो भी वेरिएबल था तो उसके आगे कोएफिशिएंट नहीं था, या तो कोई प्लस में था या तो कोई माइनस था। यहाँ क्या है 6 उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो मैंने उस लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है कि जब भी मल्टीप्लीकेशन हो तो हमें क्या करना है डिवाइड करना है, और जो डिवाइड होता है तो हमें क्या करना होता है मल्टीप्लीकेशन। जब मुझे 6 कहाँ है मल्टीप्लीकेशन में, तो 6 को रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 6,
हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 6x डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 6, तो 6x कैंसिल और 6 2 जा 12, 6x कैंसिल तो आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2, तो वेरिएबल की वैल्यू हमें कितनी मिली, x इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 6, t डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 10, क्या देखो 5 कहाँ है, डिवाइड में है, तो अब हमें क्या करना है, 5 जब डिवाइड में हो तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं किससे करेंगे, 5 से, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 5, तो t इज इक्वल क्या मिलेगा, 5 मल्टीप्लाई 10, तो t इज इक्वल हमें आंसर मिला 50, तो हमारी वेरिएबल की वैल्यू हमें कितनी मिली, 50। क्वेश्चन नंबर 7, तो यार देखो 2x डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 80, तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, वेरिएबल की, वेरिएबल कौन सा है, x, 2 तो क्या है कोएफिशिएंट है, 18 भी क्या है कांस्टेंट है, तो 2 कहाँ जाएगा, जब मल्टीप्लीकेशन में जो हो वो कहाँ चला जाता है, डिवाइड में वो चला जाता है, और जो डिवाइड में होता है वो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3, हम पहले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई 3, तो 2x इज इक्वल टू 54, अब 2x इज इक्वल 54, आगे क्या है 2 है तो उसको रिमूव करना है, तो 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, मीन्स इस इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 कैंसल और 54 डिवाइड बाय 2, तो इज इक्वल आंसर क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 27। जैसे आपने देखा होगा जब भी मल्टीप्लीकेशन होता है तो वो डिवाइड करते हैं, और जब डिवाइड होता है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन में चला जाता है, यहाँ आपने देखा जब जो 6 मल्टीप्लीकेशन में था तो कहाँ चला गया, डिवाइड में, और 5 डिवाइड में था तो वो कहाँ चला गया, मल्टीप्लीकेशन में। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1.6 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय 1.5, तो 1.5 कहाँ है, डिवाइड में, तो वो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 1.5, तो आंसर क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 24। ये आपको मल्टीप्लाई करना है, 1.6 इज इक्वल टू 1.5 क्या होता है, तो 1.6 मल्टीप्लाई 1.5 आंसर क्या मिलेगा, 2.4। नेक्स्ट एग्जांपल, 7x माइनस 9 इज इक्वल 60, क्या देखो वेरिएबल कौन सा है, 7x माइनस 9 इज इक्वल 60, वेरिएबल एक ही है x है, तो फर्स्ट कौन से टर्म को आपको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो 7x को आप सब्जेक्ट बनाएंगे, तो नाउ 9 को क्या करेंगे, लेफ्ट साइड टू राइट साइड लेके जाएंगे, तो 7x इज इक्वल टू 16 प्लस 9, तो 7x इज इक्वल आंसर क्या मिला, 25। अब 7 देखो कोएफिशिएंट है, मल्टीप्लाई में या डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में, तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो देयरफॉर x इज इक्वल क्या मिलेगा आपको, x इज इक्वल 27 डिवाइड बाय 25 डिवाइड बाय 7, तो x की वैल्यू हमें क्या मिली, 25 डिवाइड बाय 7। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13, तो यहाँ वेरिएबल कौन सा है, y वेरिएबल है, तो माइनस 8 ट्रांसफर करना पड़ेगा, राइट साइड लेके जाते हैं तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी, तो 14y इज इक्वल टू 30 प्लस 8, तो 14y इज इक्वल 30 प्लस 8 कितने होते हैं, 21, तो 40y इज इक्वल टू 21। अब y के आगे 14 मल्टीप्लाई में, तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 40, तो 40 कैंसल, तो 21 डिवाइड बाय 14, यहाँ देखो कट होता है, 7 3 जा और 7 2 जा, 7 कैंसल, तो therefore y is equal क्या मिलेगा, 3/2, तो हमारे वेरिएबल की वैल्यू हमें क्या मिली, y is equal to 3/2। सेम उसके जैसे ही एग्जांपल है, यहाँ कौन सा वेरिएबल, जब क्वेश्चन नंबर 3 में वेरिएबल y था, यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 में वेरिएबल कौन सा है, p है, 17 राइट साइड लेके जाएंगे फर्स्ट, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 6p इज इक्वल टू 9 माइनस 70, यहाँ देखो 9 माइनस 70 कौन सा नंबर बड़ा है, 17 9 से बड़ा है, तो साइन किसकी बचेगी लास्ट में, तो आंसर मिलेगा हमें क्या मिलेगा, 6p इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ 70 क्या है, बड़ा है। अब 6 क्या है, मल्टीप्लीकेशन में p के साथ,
तो वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो p इज इक्वल टू क्या मिलेगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 6, तो देयर फॉर p इज इक्वल टू -8/6। यहाँ देखो कट होते है? हाँ होते हैं ना, तो कट करो, फॉर 2 जा और 3 2 जा 2 2 कट, तो हमारा आंसर मिला p इज इक्वल टू -4/3। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, x बाय 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7/15। तो यहाँ देखो वेरिएबल वाला टर्म कौन सा है, यहाँ दो टर्म है आपकी बात सही है, पर यहाँ वेरिएबल वाला टर्म कौन सा है, x बाय 3, तो उसको सब्जेक्ट बनाते हैं, तो उसका मीनिंग क्या हुआ, 1 को कहाँ लेके जाना पड़ेगा, राइट हैंड साइड लेके जाते हैं, तो लेके जाते हैं, तो ट्रांसफर 1 टू द राइट हैंड साइड, तो वी गेट x डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 7/15 -1। तो देयरफॉर x बाय 3, यहाँ देखो एलसीएम लेना पड़ेगा 15, तो 15 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 -15 डिवाइड बाय 15, तो x बाय 3 इज इक्वल टू, फिर से यहाँ बड़ा कौन है, 15 बड़ा है, उसकी साइन क्या है, नेगेटिव है, तो आगे क्या आएगा माइनस, तो -8/15। अब हमें सब्जेक्ट किसको बनाना है, x को, मीन्स वेरिएबल कौन है हमारा, x है, तो उसकी वैल्यू में फाइंड करनी है, तो 3 कहाँ है, डिवाइड में है, तो वो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x इज इक्वल -8/3 डिवाइड बाय 15। यार देखो 8 × 3 15 इज इक्वल, हम क्या लिख सकते हैं, 5 3 सा, तो 3 3 कट, तो x इज इक्वल हमारी वैल्यू क्या मिली, x इज इक्वल टू -8/3। तो ये आपने देखा होगा जब भी वो डिवाइड में होता है तो वो मल्टीप्लाई में चला जाता है, अब मल्टीप्लाई होता है तो वो डिवाइड में चला जाता है, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, और हम थोड़े एग्जाम्पल आपको होमवर्क में देते हैं, तो ये 3 एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं, यदि जो एग्जाम्पल में आपको कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।